हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सी नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के बारे में। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं? नागरिक समाज सिविल सोसाइटी उस समाज को कहते हैं जहाँ शासक या सामाजिक व्यवस्था का आधार बल न होकर समिति हो, जहाँ राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा और वह सौहार्द से विकासात्मक कार्य में भागीदारी निभाते हों। सिविल समाज का केंद्र बिंदु राज्य, राजनीति और प्रशासन, नागरिक समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं। सिविल समाज में या नागरिक समाज में सिविल सोसाइटी में कानून व व्यवस्था की स्थिति विशेष की ही नहीं पूरे समाज के हित के बारे में सोचा जाता है तथा किसी के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। तो सिविल समाज या नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी उस समाज को कहते हैं जहाँ शासन या सामाजिक व्यवस्था का आधार बल न होकर सहमति हो, जहाँ क्या होता है कि राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक पारस्परिक संगठित होकर स्वप्रेरणा और सौहार्द से विकासात्मक कार्य में भागीदारी निभाते हैं। सिविल समाज का केंद्र बिंदु राज्य, राजनीति और प्रशासन, नागरिक समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं। सिविल समाज में कानून व व्यवस्था की स्थिति विशेष के नहीं पूरे समाज के हित के बारे में सोचा जाता है तथा किसी के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। सिविल समाज के आधार स्तंभों के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तथा अवैतनिक संगठन या व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सिविल समाज में कार्य समूह, एक्शन ग्रुप्स, विकास अभिकरण, डेवलपमेंट एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो सिविल सोसाइटी, इसमें क्या होता है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तथा अवैतनिक संगठन या व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सिविल समाज में कार्य समूह, एक्शन ग्रुप, विकास अभिकरण एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सिविल समाज की विशेषताएं। सिविल समाज में व्यक्तिगत जीवन में राज्य एवं सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, क्योंकि व्यक्तियों द्वारा स्वयं ही कानून का पालन किया जाता है तथा व्यवस्था बरकरार रहती है, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्स्ट ये हो गया सिविल समाज की फर्स्ट विशेषता होगी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है कि राज्य व सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्तियों द्वारा ही कानून का पालन किया जाता है व्यवस्था बरकरार रहती है, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिविल समाज में सरकार को बहुत व्यापक कार्यों को संपादित नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार समाज में सरकार सीमित कार्यों का ही संपादन करती है। दूसरा ही हो गया कि सिविल समाज में क्या होता है, सरकार को व्यापक कार्यों को संपादित नहीं करना, कुछ ही कार्यों को संपादित करना पड़ता है, इसका मतलब है। इस प्रकार के समाज में क्या होता है कि सरकार क्या होती है, सीमित कार्यों को संपादित करते हैं। सिविल समाज में शक्ति का केंद्रीकरण होता था, इसमें समाज में संघीय सरकार कमजोर तथा स्थानीय सरकार सुदृढ़ होती है। उसके बाद हो गया चौथा, हो गया सिविल समाज में गैर सरकारी संगठनों की क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बढ़ जाती है। इस कारण, क्योंकि सरकार की भूमिका घट जाती है, इसलिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ जाती है। इसमें सिविल समाज में जनता की भागीदारी क्या होती है, व्यापक रूप से देखी जा सकती है। जनता की भागीदारी में किसी भी परंपरागत तत्वों की भूमिका ना के बराबर होती है। जो सिविल सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है, जनता की भागीदारी दिखने को मिलती है। जनता की भागीदारी किसी परंपरागत की भूमिका ना के बराबर होती है। सिविल समाज में तो जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया जाता है, साथ साथ लोक प्रशासन के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाई जाती है। लोक प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या क्या किया है की जानकारी सिविल समाज में मांग सकती है। तो ये होता है सिविल सोसाइटी या सिविल समाज में क्या होता है कि जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, साथ साथ लोक प्रशासन के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाई जाती है। लोक प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया गया है की जानकारी क्या होती है सिविल समाज मांग सकती है। तो इसमें ये होता है कि सिविल समाज मांग सकती है कि क्या किया गया है लोक प्रशासन के द्वारा, क्या किया जाना है, तो इसको क्या किया गया है या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में सिविल सोसाइटी जानकारी मांग सकती है। सिविल समाज में सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाता है। और हो गया
सिविल समाज की भूमिका व्यक्तिगत सिविल समाज की भूमिका व्यक्तिगत व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने के साथ साथ आदर्श समाज की स्थापना करना है। जब आदर्श समाज की बात की जाती है तो उपयुक्त वर्णित तमाम बातों का प्रभावी बनाना सिविल समाज का ही कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के बारे में हो गया वीडियो। सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी की प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।